बता दे कि थाना क्षेत्र अतरौलिया में स्थित पहिया भदवा गांव के ग्रामीण संजय का कहना है कि धूल के उड़ने के कारण हमारे गांव में बड़ी समस्याएं हैं और कल से मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। आने जाने का एक ही मार्ग है जिस पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से होकर जाती है और जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तब मैं इसी धूल में गिर गया। तब मैंने रानू ठेकेदार को लगभग 2500 बार फोन लगाया लेकिन फोन नहीं उठा, जिसके कारण से हम लोग आज चक्का जाम किए हैं और गांव में धूल जाती है, खाना रहना सहना दुश्वार हो गया है और हमें गोरखपुर लिंक एसोसिएशन से कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल जब धूल उड़ने लगे तब पानी का छिड़काव कर दिया जाए, इसीलिए हम लोग ट्रक डंपर को रोका है। आइए सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजय प्रजापति, पहिया भदवा। जो धूल के कारण से जो है हमारे गांव में काफी समस्याएं हो रही हैं, जिससे हमारा एक छोटा भाई कल से जो है एडमिट है। मैं आज जो है एक हफ्ते से बोल रहा हूँ रानू सेठ को पानी डालने के लिए और पानी डालने के बहाने जो है फोन नहीं उठाते हैं। मैं 25 कॉल कल किया था, उनका फोन नहीं उठता है। कल करते हैं, परसों करते हैं पानी डालने के लिए। आज हमारे घर में एक छोटा भाई बीमार है, एडमिट करवाने के लिए रास्ते में दिक्कत हुई, मैं लेके गिर गया था उनको। किसी तरह मैं लेके हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ, आज भी इस टाइम हॉस्पिटल में है। बताइए, सारे गाँव में समस्या हो रही है, सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सांस लेने में समस्याएँ हो रही हैं, सब लोग ग्रसित हो रहे हैं, खाना सबका दूषित हो जा रहा है, धूल मट्टी जाके खाने में मिल रही है, सबको सोने में रहने में दिक्कत हो रही है। और ठेकेदार के यहाँ फोन करने पर ठेकेदार कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ कहता है टैंकर से पानी पड़ जाएगा, अब पड़ जाएगा तब पड़ जाएगा, टैंकर खराब हो गया, कोई समस्या का निवारण नहीं कर रहा है। और जिसके कारण से हम लोग आज जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे जाम लगाए हुए हैं। आज कोई गाड़ी क्रॉस नहीं होने देंगे, चाहे जो भी होगा, इसीलिए क्योंकि आज हम लोगों को धूल मट्टी की वजह से काफी समस्याएं हो रही है। आपने किसी को ज्ञापन दिया कि नहीं? अभी किसी को नहीं दिया है, जिससे जो है अभी तो मैं रानू सेठ को बार बार कह रहा हूँ कि रानू सेठ भाई पानी डलवा दीजिए, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे। तो आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? आगे जो है कार्रवाई करेंगे, जो जाम लगाएंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, अपने गुहार लेके जाएंगे, भाई मेरा छोटा भाई इसी कारण से एडमिट हो गया, धूल की समस्याएं हो रही हैं, सारी समस्याएं गांव के, आज बच्चे परेशान हो रहे हैं, सांस लेने में समस्या हो रही है, हम लोग जिस प्लेस पे खड़े हुए हैं यहाँ सारी धूल मट्टियों से भरा हुआ प्लेस है, क्योंकि हम लोग सांस से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग आगे तक जाएंगे, जहाँ तक हम लोगों को दिखाई देगा, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, इसके लिए हम लोग आगे कार्रवाई करें। हम लोगों को लिंक एक्सप्रेसवे पे से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खुशी है कि बने, मगर धूल मट्टी हम लोगों के गांव में और घर में खाने में ना जाए, क्योंकि अपना कार्रवाई खुशी से करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम सर? सुरेंद्र प्रजापति, मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर हूँ। समस्या आप लोगों की क्या है? समस्या हम लोगों के लिए है कि 24 घंटे ये काम हो रहा है, काम की वजह से जो धूल बन गई है, धूल की वजह से हम लोगों का सोना रहना खाना पीना सब दूषित हो रहा है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ठेकेदार है वो कोई इस पे ध्यान भी नहीं देता, जरा सा भी ध्यान नहीं देता, फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं उठाता है। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, डीएम तक एक कार्रवाई करेंगे, डीएम नहीं सुनते हैं तो उसके आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे अगर ये नहीं सुनते हैं। और ये जो है काम, ये अपना काम करें एक्सप्रेसवे का, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये जो धूल हो रही है, धूल से सारी पब्लिक को परेशानी हो रही है, इस पर रोकथाम लगानी चाहिए, धूल पर रोकथाम लगानी चाहिए। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।